अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अब्बास। होप यू आर ऑल फाइन। लेट्स गेट मूव टू द टॉपिक। टू द टॉपिक इज़ हाउ टू फाइल पब्लिक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स एनुअली इन टैक्सेस। टैक्सेस जो कि यूएसए का स्टेट है, और इसमें हम एनुअली तौर पर कौन कौन सी चीज़ों की हम फाइलिंग करते हैं। फर्स्ट नंबर पर तो ये है कि हम फ्रेंचाइज टैक्स की फाइलिंग करते हैं, यानी कि नो टैक्स ड्यू रिपोर्ट, उसकी हम फाइलिंग करते हैं। ये भी एनुअली तौर पर हमने फाइलिंग करनी पड़ती है, और उसके बाद फिर हमें जो पब्लिक इंफॉर्मेशन उसकी रिपोर्ट भी हमें एनुअली तौर पर जो टैक्स स्टेट है उसमें हमने फाइलिंग करनी पड़ती है। और इसकी ड्यू डेट क्या है? इसकी ड्यू डेट 15 मई है, ये इसकी ड्यू डेट है। इससे पहले पहले आपने ये जो पब्लिक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है इसको आपने वहाँ पर फाइल करना होता है। एनुअल तौर पर ये दो चीज़ें वहाँ पर हम फाइलिंग करते हैं। जो कि फ्रेंचाइज टैक्स, वो हम किस तरह फाइल करते हैं एनुअली तौर पर, उसकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप उसे फर्दर चेक कर सकते हैं और आप जान सकते हैं किस तरह वो फाइलिंग करते हैं। और पब्लिक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कौन कौन सी एंटिटी करती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्टनरशिप होगी, अगर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होगी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होगी, प्रोफेशनल एसोसिएशन होगी, कॉरपोरेशन होगी, ये सारी चीज़ें जो अपनी पब्लिक इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट है ये एनुअली तौर पर वहाँ पर फाइलिंग करते हैं। और इनके अलावा जो दूसरी एंटिटी टाइप्स हैं वो वहाँ पर ओनरशिप इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स, उसकी फाइलिंग करते हैं। इन सब एंटिटीज जो मैंने आपको बताई, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स फाइलिंग करते हैं, और इसके अलावा जो दूसरी एंटिटीज है वो वहाँ पर ओनरशिप इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स की फाइलिंग करते हैं। 2016 की रिपोर्ट्स से पहले जो कॉरपोरेशन होती है और यहाँ आपकी जो प्रोफेशनल एसोसिएशन एंटिटी है, ये वहाँ पर ओनरशिप इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स इसकी फाइलिंग करते थे, मगर अब वो पब्लिक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स की फाइलिंग करते हैं, और ये एनुअली तौर पर हमने वहाँ पर फाइल करना पड़ता है। ये फाइल करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? हमें सिंपली जो हमारा एक नोट्स आता है, एक आपको मेल के जरिए एक नोट्स आता है, उसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन यूज होती है। आपका टैक्स पेयर नंबर वहाँ पर मैंशन होता है, उसके अलावा आपका वेब फाइल नंबर होता है, जो आपका फ्रेंचाइज टैक्स का वेब फाइल नंबर है वो आपका मैंशन होगा। वो सारी चीज़ें और आपकी इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए हम ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स यानी कि PIR, इसको हम उन सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए वहाँ पर फाइलिंग कर सकते हैं। जी, तो जो टैक्स पेयर नंबर है या वेब फाइल नंबर, वो किस तरह का वो नोटिस होता है, मैं आपको सिंपली पर दिखा भी देता हूँ। जी, तो इस तरह का आपको एक नोटिस आएगा, इधर आपका टैक्स पेयर नंबर होगा ऊपर, और नीचे आपका इधर वेब फाइल नंबर होगा, और इधर आपके IRC की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन होगी। और ये सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ करके वहाँ पर आप पहले उधर साइन इन करेंगे, साइन इन करने के बाद उसको आप असाइन कर लेंगे जो आपका फ्रेंचाइज टैक्स, उसकी आप वहाँ पर जो टैक्स पेयर नंबर उसको असाइन करने के बाद जो, तो फिर फर्दर आप अपनी पब्लिक इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट उसकी आप फाइलिंग कर सकते हैं। तो सिंपली हम किस तरह करते हैं, तो चलते हैं गूगल की तरफ। जी, तो गूगल पे आने के बाद इधर मैं लिखूंगा कंट्रोलर टैक्सेस, लिखने के बाद इसको मैं सर्च करूंगा। सर्च करने के बाद ये जो पहला लिंक आपके सामने अपीयर होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इनका जो मेन डैशबोर्ड है, जो इसकी मेन ऑफिशियल वेबसाइट है, वो आपके सामने इस तरह अपीयर हो जाएगी। और इधर आप इजीली वहां पर सिस्टम वेब फाइल, इसके ऊपर आप जाएंगे। जी, तो उसके बाद फिर ये लॉगिन वाला डैशबोर्ड आपके सामने अपीयर होगा, इधर आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड देंगे। अगर आपको ये अकाउंट पहले ऑलरेडी नहीं बना तो फिर आप इधर क्रिएट प्रोफाइल, इसके ऊपर आप क्लिक करके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। सो उसके बाद फिर आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन आएंगे, वो आप पुट करेंगे वहाँ पर। तो फिर आप नेक्स्ट IRA पर क्लिक करने के बाद इसको ईजिली यहाँ पर प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हैं। और प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद जब आपने यूजर आईडी वहाँ पर सेट की होगी, जो आपने पासवर्ड वहाँ पर सेट किया होगा, वो सिंपली आप इधर पुट करेंगे। पुट करने के बाद सिंपली आप इधर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब इधर मैं क्विकली ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद सिंपली मैं इधर लॉगिन पर क्लिक करूँगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने अपीयर होगा, और इधर आप सिंपली असाइन टैक्सेस फी, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आपका नोटिस के अंदर टैक्स पेयर नंबर मेंशन होगा, वो आप सिंपली यहां पर पुट करेंगे। और इधर मैं क्विकली पुट कर देता हूं।
जी तो ये नंबर पुट करने के बाद सिंपली मैं अंदर कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद इस तरह वो जो आपका फ्रेंचाइज टैक्स वो आपके सामने पे रहेगा और इधर आप असाइन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और इधर आप अपना वेब फाइल नंबर लिखेंगे। वेब फाइल नंबर आपका सेल्स टैक्स का भी अलहदा से होता है और आपका जो फ्रेंचाइज टैक्स है उसका अलहदा। सेल्स टैक्स का जो वेब फाइल नंबर होगा और इधर आपका RT नंबर होगा और आगे 6 डिजिट्स होंगे। यहाँ पर आपका RT होगा और उसके बाद फिर 6 डिजिट्स होंगे। और जो आपका फ्रेंचाइज टैक्स का वेब फाइल नंबर होगा वहाँ पर आपका XT आगे 6 डिजिट्स होंगे। उसके भी 6 डिजिट्स हैं और इसके भी 6 डिजिट्स हैं, मगर सिंपली डिफरेंट क्या है, यहाँ पर आपका जो उसका RT होगा इधर XT होगा। वो जो नंबर है वो जो वेब फाइल का नंबर वो सिंपली आप यहाँ पर पुट करेंगे जो कि आपका वो नोटिस के ऊपर मेंशन किया होगा। जो आपका टैक्स पे नंबर उसके नीचे आपका वेब फाइल नंबर भी मेंशन किया होगा, सिंपली वहाँ से आप लेकर यहाँ पर आप इजीली पुट करेंगे। और इधर अपने स्नैपिंग मैं वो पुट कर लेता हूँ। जी तो ये वेब फाइल नंबर पुट करने के बाद सिंपली मैं इधर असाइन पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद तो इस तरह उसका कलर चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर असाइन हो गया। तो सिंपली आप सबमिट चेंजेस इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने पे रहेगा और इस सारी इन्फॉर्मेशन को आप इजीली केयरफुली यहाँ पर पढ़ने के बाद फिर आई एग्री इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिंपली आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जो वहाँ पर आपने साइन किया होगा वो सिंपली यहाँ पर आपका मैंशन होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर आपका वो अपेयर होगा। और जब ये आपका अपेयर हो जाएगा तो सिंपली आप फाइल एंड पे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जी तो उसके बाद फिर ये पेज आपके सामने पेयर होगा। इधर आप अपना जो डैशबोर्ड है उसके अंदर आप चले जाएंगे जब जहाँ पर आप अपना फ्रेंचाइज टैक्स की और पब्लिक इन्फॉर्मेशन की भी रिपोर्ट आप फाइल कर सकते हैं। तो इधर हमारे सिनेरियो में यही है कि हमने पब्लिक इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स को फाइल करना है। तो इधर हम फाइल आप पब्लिक एंड ओनरशिप इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आप ओनरशिप की इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट्स भी आप फाइल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आप टिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये डैशबोर्ड आपके सामने अपीयर होगा। इधर आपने अपनी एनुअल को सिलेक्ट करना होता है, जिस भी एनुअल की आपने वहाँ पर रिपोर्ट करनी है, चाहे आपने कौन से भी ईयर की आपने जब एनुअल रिपोर्ट करनी है तो उसको आप सिंपली टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पर आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे वो मेलिंग एड्रेस की इन्फॉर्मेशन पूछा है। यहाँ पर आप अपने मेलिंग एड्रेस की सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, यहाँ पर स्ट्रीट एड्रेस देंगे, सिटी देंगे, जिप कोड, स्टेट वगैरह, यहाँ पर आप सारी इन्फॉर्मेशन इसकी पुट करेंगे। जी तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने अपीयर होगा। इधर आप अपनी सारी टोटल इन्फॉर्मेशन देंगे, यहाँ पर आपकी मेल एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जो अगर आपने पुट की होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जनरेट होकर आ जाएगी। उसके बाद फिर आपके डायरेक्टर का नेम, टाइटल वगैरह आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद फिर आपका यहाँ पर अपने मैनेजर का नेम वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो इधर आप उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देख लें कि आपके अगर मैनेजर है उसके अंदर क्या डायरेक्टर है, कोई भी और पर्सन है, कि एक पर्सन आपका मैनेजर है, दूसरा पर्सन आपका डायरेक्टर है, तो फिर आप यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन सारी ऐड किए जाएंगे। अगर आपके और भी मैनेजर वगैरह है तो इसे आप ऐड अनदर पर्सन, उसके भी आप इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं। आप वहाँ पर मेंशन करेंगे कि ये डायरेक्टर है या मेंशन, यानी कि इसके हिसाब से आप यस या नो पर टिक करने के बाद उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आप यहाँ पर अपने रजिस्टर्ड एजेंट की सारी इन्फॉर्मेशन देंगे और उसके ऑफिस की इन्फॉर्मेशन देंगे। यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड एजेंट का नाम आ जाएगा, उसके बाद नीचे उसके ऑफिस की इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। यहाँ पर उसका स्टेट, सिटी वगैरह, जिप कोड, सारी इन्फॉर्मेशन, आप वहाँ पर अपने रजिस्टर्ड एजेंट की इन्फॉर्मेशन आप पुट करेंगे। पुट करने के बाद यहाँ पर आप अपने डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करें। रीड करने के बाद यहाँ पर आप इसको टिक करें। टिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर आप इसको सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने अपीयर होगा। इधर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको अगेन दिखा रखे, आप इसको चेक कर लें कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। जो आपने वहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन दी है उसको आप चेक कर लें कि वो आपकी करेक्ट है। अगर करेक्ट वगैरह नहीं तो आप सिंपली बैक जाकर उसकी इन्फॉर्मेशन को आप करेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट करने के बाद तो जब आपकी इन्फॉर्मेशन ओके हो जाएगी तो फिर आप यहाँ पर सबमिट रिपोर्ट्स इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने अपीयर होगा। इधर आपका यू हैव फाइल सक्सेसफुली, जो आपने वहाँ पर अपने रिपोर्ट्स की फाइलिंग की है वो सक्सेसफुली यहाँ पर फाइल हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन, आपके टाइम पीरियड, हर चीज़ आपको अपेयर कर रहा है। तो इधर ये आपको कह रहे हैं कि प्रिंट दिस पेज फॉर योर कार्ड, यानी कि इस कार्ड को आप सेव करने के लिए इसका एक प्रिंट ले सकते हैं।
और उसके बाद ये आपको कह रहे हैं प्लीज़ डू नॉट सेंड अ पेपर फॉर्म, यानी कि जब आपने ऑनलाइन अपनी फाइलिंग यहाँ पर कर दी, अपने इंफॉर्मेशन पब्लिक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स के जब आपने ऑनलाइन फाइलिंग कर ली है, तो फिर ऑनलाइन फाइलिंग करने के बाद आपको पेपर फॉर्म के ज़रिए अपने पब्लिक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक तरीके से साथ वहाँ पर फाइलिंग करनी होती है, या आप पब्लिक रिपोर्ट्स को ऑनलाइन करें या आप पेपर फॉर्म के ज़रिए करें, और ऑनलाइन तरीके के साथ आप इजीली कर सकते हैं, तो इस तरह आप अपनी पब्लिक इंफॉर्मेशन को वहाँ पर फाइल कर सकते हैं जो कि आपने एनुअली तौर पर वहाँ पर फाइल करनी होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।